अध्याय 10। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है, जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो इसी कारण जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहराव में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है। सुविश्वास सुनने से और सुनना मसीही के वचन से होता है, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना। सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। फिर मैं कहता हूं, क्या इसराइली नहीं जानते थे। पहले तो मूसा कहता है कि मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाप के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इसराइल के विषय में वो ये कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा।